Hello student, welcome in your class 7th science. Last video हमारा जहाँ पर खत्म हुआ था उसके आगे start करते हैं हम लोग. तो replenishment of nutrients in soil, किस तरीके से आपके जो soil है, मिट्टी है, उसमें किस तरीके से nutrients दोबारा आ जाते हैं, replenish हो जाते हैं. तो do you like potato chips? मान लीजिए आप के किचन में रखा हुआ है सामान, चिप्स वगैरह रखे हुए, फर्श रखे हुए, नमकीन रखी हुई है, आप आए और खा गए, खत्म हो गई वो पैकेट, ठीक है. फिर दोबारा से उसमें आना होता है तभी तो आप खा पाएंगे. आपकी मदर क्या करती है, मार्केट से, या मम्मी या पापा जो भी है, वो मार्केट से सामान को दोबारा से लेके आते हैं, दोबारा से किचन में रखते हैं. रिप्लेनिश ही तो कर रहे हैं, मीन्स बाहर से लाके वापस वहां पे रख रहे हैं, तब आप उसको ले पाएंगे, ठीक है. सेम इस तरीके से मिट्टी में भी होता है. देखिए लिखा हुआ है, यस यू डू व्हेन यू फिनिश ईटिंग अ पैकेट ऑफ चिप्स. From where do you get it again? आप दोबारा कैसे पाते हैं? You do the kitchen rack या cupboard and take it. Your mother maintain a stock after purchasing from the market. Market से लेती है उसको, stock को maintain करती है. इसी तरीके से soil में replenish किस तरीके से होते हैं nutrients, वो ध्यान देने हैं. Soil is rich in nutrients. Soil में बहुत मात्रा में nutrients पाए जा रहे हैं. But all plants absorb nutrients to nourish themselves. जितने भी प्लांट उस पर ग्रो कर रहे हैं वो सभी उस सोयल से न्यूट्रिएंट्स को खींच लेते हैं अपने लिए. द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स फ्रॉम सोयल मींस जो प्लांट्स के द्वारा मिट्टी में से जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब खींच लिए जा रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है एंड पोटेशियम है. सम क्रॉप्स यूज सम न्यूट्रिएंट्स इन लार्ज अमाउंट. कुछ प्लांट्स को कुछ न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं. जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होंगे तो पानी उस न्यूट्रिएंट की वहां पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है. लार्ज अमाउंट एंड अदर इन स्मॉल, बाकी कम चाहिए होते हैं. आफ्टर द ग्रोथ ऑफ वीट क्रॉप नाइट्रोजन गेट्स रिड्यूस इन द सॉइल. वीट की क्रॉप के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन का अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है. वेरी लिटिल इज लेफ्ट फॉर द नेक्स्ट क्रॉप, अगली फसल के लिए बहुत कम बचता है. इफ प्लांट आर ग्रोन इन सच अ सॉइल, अगर इसी मिट्टी में हम लोग दूसरे प्लांट को ऐसे नॉर्मली ग्रो कराएं, दिस विल बी अनहेल्दी, तो वो प्लांट कैसा होगा, अनहेल्दी होगा. टू मेंटेन एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स फार्मर रिप्लेनिश इट, ठीक है. अगर इसको अगर मेंटेन रखना है तो इसे रिप्लेनिश किया जाता है, इसको मेंटेन किया जाता है फार्मर के थ्रू. कैसे, नंबर वन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, एग्जाम्पल यूरिया वगैरह, डीएपी वगैरह हम लोग उसमें मिलाते हैं. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर मिलाते हैं या फिर फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं. प्लांटिंग लेग्यूम्स, लेग्यूम्स हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन देयर रूट नोड्यूल नेचुरली, मीन्स हम लोग वहां पर जो प्लांटिंग करते हैं वो लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट्स की करते हैं. क्यों, क्योंकि लेग्यूमिनस जो होते हैं उनके रूट नोड्यूल्स में क्या पाया, राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि हमारी एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करेगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट करके उसे मिट्टी में मिलाएगा हमारा, ठीक है. इस तरीके से उसमें नेचुरली नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाती है. बाय दीज टू वेज नाइट्रोजन इज रिस्टोर्ड एंड प्लांट्स यूटिलाइज देम, इस तरीके से नाइट्रोजन जमीन में फिर से आ जाती है और प्लांट उसको यूटिलाइज कर लेते हैं. प्लांट प्रोवाइड शेल्टर टू राइजोबियम, जो प्लांट है वो राइजोबियम को रहने की जगह दे रहा है, शेल्टर दे रहा है. एंड गेट न्यूट्रिशन इन रिटर्न, उसके बदले में क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन लेता है उनसे. दिस रिलेशनशिप इज वेरी यूजफुल टू प्लांट्स एंड द फार्मर, ये जो रिलेशनशिप है ये प्लांट्स के लिए और फार्मर के लिए दोनों के लिए बहुत यूजफुल होती है, फायदेमंद होती है. ही नीड नॉट एड एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स टू सॉइल, इसके बाद उन्हें एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स को मिट्टी में मिलाने की जरूरत नहीं होती. दिस कीप्स द सॉइल फिट एंड फर्टाइल फॉर कल्टिवेशन, इस तरीके से हम अपनी मिट्टी को खेती के लिए फिट और फर्टाइल, उपजाऊ बनाए रख सकते हैं, ठीक है. बट इस चार्ट को आपको अपने लेफ्ट साइड वाली कॉपी के लेफ्ट साइड वाले ब्लैंक पेज पर बना लेना है. रोल ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, किस तरीके से राइजोबियम बैक्टीरिया का रोल है नाइट्रोजन के फिक्सेशन में, ठीक है, इसको बना लेना है हेडिंग डाल के, वो एक्स्ट्रा ही बनाना है आप, ठीक है. भले ही क्वेश्चन हो या ना हो, अगर क्वेश्चन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको बना लेना है. और अगर ये क्वेश्चन होता है तो इसको आप वहां पर लीव कर देंगे, छोड़ देंगे आप इसको. चलिए, नाइट्रोजन इन एयर कैन नॉट बी यूज बाय द प्लांट, जो हवा में नाइट्रोजन है उसको हमारे प्लांट्स यूज नहीं कर सकते. अब क्या करा कि जो प्लांट्स लगे थे जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया था, ये कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता. सो लाइज इन रूट नोड्यूल ऑफ पल्सेस, दाल वगैरह के इनकी रूट नोड्यूल्स में रहता है ये, बीन एटसेट्रा. दे टेक एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, इसने यहां से एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन ले ली और लेने के बाद एंड कन्वर्ट इट इंटू
सोल्यूबल नाइट्रेट इन सॉइल और उसे सोल्यूबल नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद लेग्यूमिनस प्लांट एब्जॉर्बेड, जो प्लांट्स थे लेग्यूमिनस प्लांट्स, उन्होंने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, और एब्जॉर्ब करने के बाद टू मेक प्रोटीन एग्जांपल लेग्यूम्स लाइक मूंग पीस ग्राम्स, इनसे क्या हुआ प्रोटीन्स को बना लिया। ठीक है, इस चार्ट पेपर को आप बना लेंगे। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा आज यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स की एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में करेंगे। चलिए बेटा हम लोग एक्सरसाइज के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्लांट सोज ओनली हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ओनली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, नन ऑफ दिस प्लांट्स। प्लांट्स तो बेटा अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक, उन्हें कहते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉपिक कहते हैं। बट कुछ प्लांट्स ऐसे भी तो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पर भी डिपेंड करते हैं, तो हमारे हेटरोट्रॉपिक भी हुए, मींस दोनों हुए। तुम्हारा आंसर कौन सा सही होगा, सी बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो ये हमारा ये आंसर सही है। नेक्स्ट है हमारा, क्लोरोफिल ट्रैप सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू, जो क्लोरोफिल होता है वो ट्रैप करता है सनलाइट को और कन्वर्ट करता है किसमें, सनलाइट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। देखिए लाइट एनर्जी में तो करेगा नहीं, ना मैकेनिकल में ना इलेक्ट्रिकल में, तो क्या हो जाए केमिकल एनर्जी। तो सनलाइट को किसमें कन्वर्ट करता है बेटा, केमिकल एनर्जी में। ओके, नाउ राइजोबियम लिव्स इन द रूट्स ऑफ द, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो किसमें रहता है, बैरले वीट मैंगो नो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी ग्राम। ओके, नाउ नाइट्रोजन इज सप्लाइड टू द प्लांट राइजोबियम फर्टिलाइजर्स बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज, मीन्स प्लांट को नाइट्रोजन कैसे मिलती है, राइजोबियम बैक्टीरिया के थ्रू भी मिलती है, फर्टिलाइजर्स के थ्रू भी मिलती है। ठीक है, मतलब दोनों के थ्रू मिलती है, तुम्हारा आंसर क्या होगा, सी। ओके, नाउ विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, में से कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, कस्कुटा मैंगो पी संडियो, संडियो है बेटा। द लाइकेन इज एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड, ठीक है, लाइकेन जो एग्जांपल है वो किसके बीच का एग्जांपल है, मतलब किन किन दो चीजों के बीच का एग्जांपल है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, बी फंगी, मैंने आपको पढ़ाया है ये। ओके, तो बेटा आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिल इन द ब्लैंक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।